हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन साइड स्टिच वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये कुछ कुछ जो पजामा होता है उसके शेप में आएगी, क्योंकि ये जो पैंट है ये हम कॉर्ड शेप के साथ में बना रहे हैं। तो आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताऊँगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर वाला जो कॉर्ड सूट होता है वो बनाना बताऊँगी। अभी यहाँ पे मेरे पास 3 मीटर कपड़ा है, इसकी जो अर्ज है काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी जो पैंट है 1 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो एक ही साइड से हम 4 फोल्ड करके पैंट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, 1 मीटर से 2-4 इंच ज़्यादा लगेगा कपड़ा पैंट में, उसमें पैंट बन जाएगी। बाकी जो कपड़ा बचेगा उससे हम ऊपर का सूट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक साइड से मैंने इस तरह से इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम इसके पैंट की कटिंग करेंगे। बहुत आसान तरीका है इस तरह से पैंट बनाने का, अगर जो आप बिगनर्स हैं तब भी आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले जो भी कपड़ा तिरछा है इसको हम सीधा कर लेंगे और दोनों पार्ट हम एक साथ ही कट करेंगे। तो देखिए, मैंने तिरछा कपड़े को सीधा कर लिया। अब यहाँ पे हम नाप के भी एक बार देख लेंगे कि ये जो पैंट है हमारी 4 फोल्ड में बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो ये आराम से निकल आएगी 4 फोल्ड में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये हम लास्टिक के लिए ले रहे हैं मार्जिन, क्योंकि हम यहाँ पे लास्टिक डालने के लिए अलग से कोई पट्टी जोड़ेंगे नहीं, इसी में हम बना लेंगे। तो 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, इसको इस तरह से सीधा कर लिया। जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक है उसमें आप 1/2 इंच बढ़ा के ले सकते हैं। इसको हम ऐसे अंदर को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया मार्जिन। अब इस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी भी आपको पैंट की लंबाई लेनी है उतना निशान लगा लेना है। तो हमें लंबाई रखनी है इसकी 38 इंच की। 38 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हम 38 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई। अब हमें यहाँ पे भी मोहरी फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेना है। तो आप 2 इंच 2.5 इंच जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे मोहरी की फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा हिप साइज है उसमें 3 से 4 इंच लूजिंग ऐड करके यहाँ पर निशान लगाना है। जो भी हिप साइज है उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड कर लीजिए और उसका चौथाई जो भी आता है वो आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया। आसन का भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हमने 1.5 इंच और बढ़ा के लिया है। तो हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे, यानी कि 13.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे फिर से हमने ये 1.5 इंच बढ़ाते हुए ले लिया है। अब यहाँ पे हमें मोहरी का निशान लगाना है। जितनी हम पैंट की मोहरी रखते हैं उससे हम थोड़ा सा इसको लूज रखेंगे। तो हमने यहाँ पर मोहरी का निशान लगाया है 8 इंच पे, 1 इंच हमने उसमें मार्जिन ऐड किया, तो टोटल 9 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान को हमें आसन वाले निशान से इस तरह से शेप में मिला देना है। अगर जो आपको पैंट कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से भी पैंट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। ये देखें, तो ये मैंने निशान लगा लिए। यहाँ पे हमें आसन का ऐसे शेप दे देना है। ये मैंने आसन का शेप दे दिया। अब ये जो निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, 1 मीटर में ही हमारी जो पैंट है वो निकल आई। बाकी जो 2 मीटर हमारे पास कपड़ा बचा है उसमें हम इसके ऊपर का सूट बनाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे जो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया था मार्जिन का, वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। मोहरी वाली साइड का जो मार्जिन है वहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे, क्योंकि निशान मिट जाते हैं तो कट से हमें पता चल जाता है कि कितना हमारा मार्जिन है। अब इसको ऐसे हम खोलेंगे, 2 पार्ट उठाएंगे ऐसे और इसको इस तरह से खोल के रखेंगे। तो देखिए, ये 2 पार्ट में इस तरह से कट के रेडी हुआ है। अब हम आपको बताते हैं इसकी सिलाई। तो इसको ऐसे ही रखा रहने देना है और यहाँ पे इसके आसन पे सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, हम आपको इसकी सिलाई करना भी बताते हैं। तो हम आ गए हैं अभी मशीन पे और आसन वाले साइड को मैंने ऐसे ही रखा है और इसके जो दोनों सीधे साइड हैं वो मैंने अंदर की साइड में रखा है और यहाँ पे इस तरह से रखते हुए
सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये डबल सिलाई लगा लिया है। एक साइड का आसन मैंने सिल लिया है। अब जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड को भी ऐसे रखेंगे और इस साइड पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर भी हमें डबल सिलाई ही लगा के लेना है। तो देखिए दूसरे साइड का भी आसन मैंने सिल लिया है, दोनों साइड मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी वाले साइड में हम इसको इस तरह से रखेंगे और जितना हमने मार्जिन लिया था, मार्जिन पे हमने जो कट लगा लिया था उसी के बराबर से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के भी दिखा देती हूँ, जो हमारा मार्जिन था उसी में हम इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे और उसी मार्जिन से ही हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, जो मैंने लाइन बनाई उसी लाइन के बराबर से। और बाकी आधा इंच हम अंदर को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड की जो मोहरी है उसको भी सेम ऐसे ही सिल लेंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड की मोहरी मैंने सिल लिया है। अब मोहरी को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें ये जो साइड वाली सिलाई थी इसको भी लगा लेना है। तो एकदम बराबर से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया था इसी निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई अभी हम आसन तक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे और दूसरी वाली मोहरी से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए आसन तक सिलाई लगा के इसको ऐसे निकाल देना है। अब दूसरी वाली जो हमारी मोहरी है उस साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए दूसरे वाले साइड से भी इसको ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ पे भी हमें मोहरी 8 इंच की रखनी थी, तो यहाँ पे 8 इंच नापते हुए निशान लगा लेंगे। तो मोहरी से हम सिलाई इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर जो एक साइड से सिलाई लगाते हुए मोहरी वाली दूसरी साइड पे उतारेंगे तो अगर जो कहीं से भी थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो मोहरी पे आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर जो हमारा आसन पे कहीं पे भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले साइड से भी मैंने आसन तक सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करना है और दूसरे साइड तक पूरा डबल सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल सिलाई भी लगा लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें इलास्टिक लगानी है, तो जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इसको हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे, इस तरह से इसको सीधी साइड में करते हुए रख लेंगे और यहाँ पे इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो देखिए जितना मार्जिन लिया था वहाँ पे हमारा ये निशान लगा हुआ है इस तरह से। तो यहीं से हमें इसको फोल्ड करना है। अब हम इलास्टिक को लेंगे, तो इलास्टिक जितनी आपकी कमर है उसमें आप 3 इंच कम करके इलास्टिक को ले लीजिए और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए ये मैंने जोड़ लिया है। इसके बाद इलास्टिक को इस तरह से रखना है, देखिए आपको ध्यान से देखना है, इलास्टिक को हम ऐसे रखेंगे, जो हमने ये निशान लगाया था मार्जिन का उसी निशान के ऊपर से ऐसे रखना है। और बाकी जो ऊपर का कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और बस इसी तरह से ही फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एकदम बराबर से फोल्ड करना है और ऐसे ही फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ये जो सिलाई है ये हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, ये सिलाई हमें कपड़े के ऊपर लगानी है। तो ध्यान से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, इलास्टिक के एकदम किनारे पे हमें कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखिए इलास्टिक तो छोटी पड़ गई लेकिन कपड़ा भी ज़्यादा है, तो एक साइड से इलास्टिक को हम इस तरह से खींच लेंगे। ये देखें ऐसे खींच लेंगे तो इलास्टिक जो है हमारी वो फिर से बढ़ जाएगी, फिर से ऐसे ही फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गैदरिंग है इसको हम इस तरह से खींचेंगे, इलास्टिक को जब ऐसे खींचेंगे तो पूरी गैदरिंग बराबर से आ जाएगी। ये देखिए
अब हमें इसको ऐसे रखना है और दोनों साइड से खींचते हुए इलास्टिक के बीच में भी सिलाई लगा लेना है। तो इससे हमारी इलास्टिक भी अच्छे से सेट हो जाएगी और जो गैदरिंग है वो भी बराबर से एक जगह पे सेट हो जाएगी। तो इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। तो ये देखिए हमारी जो पैंट है वो बन के रेडी हो गई है। इस तरह से बहुत ही आसान है इस तरह से पैंट बनाना। अगर जो आपको पैंट पहनना पसंद है लेकिन आपको पैंट बनाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।